हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नेहा वीडियोस फिल्म प्रोडक्शन में। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम ब्रजमाला में आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के राम निवास उद्यान में स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में। यहाँ हम देखेंगे प्राचीन मुगल और ब्रिटिश काल के सिक्के, गहने, हाथी दांत से बनाई वस्तुएं, पुराने अस्त्र शस्त्र और साथ में देखेंगे यहाँ रखी करीबन 2400 साल पुरानी मिस्र की ममी और जानेंगे कई राजदार बातें। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम म्यूजियम के अंदर आ गए हैं और यहाँ से टिकट लेने के बाद अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। ये म्यूजियम बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है। ये म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस म्यूजियम में प्रवेश करोगे तो आपको ये सामने बहुत ही खूबसूरत हॉल नजर आएगा। हॉल की ऊपरी दीवारों पर आपको जयपुर के महाराजाओं के चित्र नजर आएंगे। और इसी हॉल परिसर में ये जो आपको रूम नजर आ रहा है, इस कमरे में आपको प्राचीन कालीन नजर आएंगे जिनको सुरक्षा की दृष्टि से कांच के बड़े बॉक्स में सजा कर रखा गया है। इस कमरे में आपको फारसी, मुगल और भारतीय कालीनों का संग्रह देखने को मिलेगा। इस कमरे से जैसे ही आप आगे चलते हैं तो सामने आपको एक गैलरी नजर आएगी जिसमें आपको राजा मोरध्वज की कथा चित्र सहित देखने को मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ रामायण और महाभारत की कथाओं के कुछ अंश चित्र सहित देखने को मिलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये जो विशाल परिसर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन नजर आएंगे। यहाँ आपको एक खास प्रकार के बर्तन देखने को मिलेंगे जो कागज के समान हल्के हैं, जिन्हें कागजी बर्तन कहा जाता है। ये बर्तन बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हैं। यहाँ आपको अनेक प्रकार के मिट्टी से बने सुंदर बर्तन देखने को मिलेंगे। इसी परिसर से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मूर्ति कला दीर्घा की ओर और यहाँ आपको बेहद प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों को देश विदेश के विभिन्न स्थानों से एकत्रित करके यहाँ लाया गया है। यहाँ आपको चौथी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की करीबन 23 मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ आपको राजस्थान के विभिन्न जिलों से मिली मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। मूर्ति दीर्घा से निकलने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको अस्त्र शस्त्र दीर्घा नजर आएगी, जहाँ आप देखेंगे मध्ययुगीन और आधुनिक काल के अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, यहाँ रखे पिस्तौल और रिवॉल्वर जैसे हथियार भरतपुर के तत्कालीन शासकों द्वारा उपहार में दिए गए थे, जबकि अन्य अस्त्र शस्त्र जयपुर के शासकों द्वारा उपयोग में लाए जाते थे। इनमें से कुछ तो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हैं और कुछ ईरान और यूरोप से आयातित हैं। यहाँ से निकलने के बाद आप जिस कक्ष में प्रवेश करेंगे, यहाँ आपको धातु कला की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलेगी। यहाँ आप धातुओं से बनी कई सुंदर चीजें देख सकते हैं, जैसे बड़े थाल, सुराहियाँ और भी कई सारी चीजें। अब मैं आपको एक बहुत ही खास थाल के बारे में बताता हूँ। ये जो सामने आपको बेहद सुंदर थाल नजर आ रहा है, ये कोई आम थाल नहीं है, बल्कि इस थाल पर आप देखेंगे कि इसके बाहरी घेरे में 28 नक्षत्र और अंदर के घेरे में 12 राशियों को उकेरा गया है और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये सूर्य देव हैं। 19वीं सदी में इस पीतल की थाली को जयपुर में बनवाया गया था। यहाँ आपको इसके अलावा और भी खास चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे ये ढाल। पीतल से बनी इस ढाल पर रामायण के दृश्य सुसज्जित हैं। इस बड़े ढाल में छोटे छोटे उभरे फलक बने हुए हैं जिन पर राम कथा अंकित है। ढाल के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ सूर्य बना हुआ है।
जो कि सूर्यवंशियों के आदि पुरुष माने जाते हैं, और इसी सूर्यवंश में रहु जैसे सूरवीर हुए, जिनके नाम पर यह वंश रहुवंश कहलाया। इस ढाल पर आप देखेंगे कि रामायण की घटनाओं का वर्णन करते हुए संस्कृत के श्लोक उत्कीर्ण किए गए हैं। ढाल के बाजू में एक और पीतल की ढाल मौजूद है। इस ढाल पर महाभारत के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से सुसज्जित किया गया है। ये ढाल देखने में काफी सुंदर लगती है। यहाँ से निकलने के बाद अब हम इस म्यूजियम के ऊपरी कक्ष में चलेंगे, जहाँ हम देखेंगे 2400 साल पुरानी ममी को। अल्बर्ट हॉल की नींव 6 फरवरी 1876 में रखी गई थी, जब अल्बर्ट एडवर्ड भारत आए थे। यह स्थान इतिहास शौकीनों के साथ साथ पर्यटकों के घूमने के लिए जयपुर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का इतिहास लगभग 150 साल पुराना माना जाता है। यहाँ गलियारों को विभिन्न प्रकार की शैलियों में भित्ति चित्रों के साथ सजाया गया है, और यूरोपीय, मिस्र, चीन, ग्रीक और बेबीलोनियन सभ्यताओं को भी चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं 2400 साल पुरानी ममी के ताबूत के पास। बताया जाता है कि ये एक महिला की ममी है, जिसका नाम तूतू था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी इसका शरीर आज भी सुरक्षित और बहुत ही अच्छी हालत में है। इस ममी को वर्ष 1887 में जयपुर के शासक सवाई ईश्वर सिंह ने इजिप्ट के कारियो शहर से आयात किया था। अगर आप इस ममी के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी आप जयपुर आएं, तो इस म्यूजियम की सुंदरता निहारने जरूर आइए। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।